सो ऑल माई सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए अब जो जनवरी 25 की एग्जामिनेशन है वो जो है बहुत इजी होने वाली है, बिकॉज आपके लिए मैं लॉन्च कर दिया है मेंटरशिप सेशंस। और सी ए इंटर जनवरी 25 के एग्जामिनेशंस के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए ये इजी होने वाला है। और जो सितंबर 24 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, अगर उनके साथ भी समथिंग रॉन्ग अगर कुछ होता है रिजल्ट्स के टाइम पे, तो भी वो इस मेंटरशिप सेशंस का, वो गाइडेंस का एक बेनिफिट ले सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन चावला। सो दिस साइड सीए नितिन चावला, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए जो जनवरी एग्जाम्स हैं वो बहुत ईजी होने वाला है। बहुत बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो है आपके लिए, बहुत रेलिवेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आप जनवरी 25 के एग्जाम्स में अपियर होने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही कम समय रह गया है, तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच आउट करना, लास्ट तक देखना। अगर आप जरा सा भी वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट्स मिस कर दें। और वीडियो के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको कनेक्ट रहना है मेरे साथ, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कनेक्ट रह सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस पीडीएफ को दिया हुआ है, पीडीएफ में दिया हुआ है। ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेंटरशिप सेशंस आपको दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द शेयर डिस्कशन पीडीएफ। मतलब जो मेंटरशिप सेशंस होंगे उसके अंदर मैं पीडीएफ डिस्कशंस करूंगा, और जो पीडीएफ डिस्कशंस करूंगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मेंटरशिप सेशन फॉर सब्जेक्ट एंड ग्रुप वाइज। मेरी जो मेंटरशिप सेशंस है वो आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगी, अगर आप सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, ग्रुप वाइज चाहते हैं तो ग्रुप वाइज भी आपको मिल जाएंगी। जिसमें आपको पता है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, एडवांस अकाउंट, लॉ या टैक्सेशन, या सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएमएसएम। अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज में मेंटरशिप लेना चाहता हूँ तो बिल्कुल वो भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रुप वाइज जाना चाहता हूँ तो ग्रुप वाइज भी अवेलेबल है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, हम आपके साथ ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। कोई भी चीज अगर आपको डाउट आता है तो मेरा नंबर मैं आपको भी मेंशन करूंगा, आप उसके साथ जा सकते हैं, कोई इश्यूज वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस बात को। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर दिस मेंटरिंग सेशंस। अब क्या बेनिफिट्स होंगे सर, हमें वो भी बता दीजिए, मेंटरिंग सेशंस के हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे, जो मैं आपको मेंटरशिप सेशन दे रहा हूँ उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो मेंटरशिप सेशंस के बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। आपको 2 सेशंस हम कंडक्ट करेंगे, 2 सेशंस विल बी कंडक्टेड वाई जूम मीटिंग। हम जूम सेशंस के थ्रू 2 सेशंस को कंडक्ट करेंगे, जिसमें एक सेशंस का जो टाइम लिमिट होगा वो 40 मिनट्स का होगा, राइट? यानी कि 2 सेशंस का जो टोटल टाइम आएगा दैट इज 80 मिनट्स के 2 सेशंस होंगे। अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट सेशन की, तो फर्स्ट सेशन तो आपका कंडक्ट हो जाएगा ऑन इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ एनरोलमेंट। जैसे आप एनरोलमेंट करा लेते हैं उसके नेक्स्ट डे पे आपका ये फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड सेशन आपका कंडक्ट होगा आफ्टर 1 वीक, यानी कि फर्स्ट सेशन कंडक्ट होने के बाद आफ्टर 1 वीक सेकंड सेशन कंडक्ट होगा। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि अगर सर हम मेंटरशिप सेशंस में अगर अनेबल हैं, यानी कि ज्वाइन करने के लिए अनेबल है, तो उसके इसमें क्या हमारे पास एक रिलैक्सेशन है। इन केस अगर आप अनेबल हो, यानी कि यू आर नॉट एबल टू अटेंड, अगर आप मेंटरशिप सेशंस के जो सेशंस हो रहे हैं 40 40 मिनट्स के, सिर्फ 2 ही सेशन होने हैं, अगर आप उसको अटेंड करने में अनेबल हो, तो उस केस में रिकॉर्डेड विल बी सेंड, आपको रिकॉर्डेड सेशन आपकी मेल पर दे दिया जाएगा। जब आप एनरोलमेंट कराएंगे तो भी एनरोलमेंट प्रोसेस भी समझाऊंगा आपको, प्लीज ध्यान से सुनना। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट मिलेगी ईच सब्जेक्ट वाइज, और अगर आप ग्रुप वाइज लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स की इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, उसमें क्या क्या रहेगा, इंक्लूडिंग न्यू क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किए हैं, एमसीक्यूज रहेंगे, आईसीआई के पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, राइट? उसके साथ आरटीपी, एमटीपी, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें एक पीडीएफ के अंदर ही आपको सब क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे, और वो क्वेश्चंस भी हम आपको अलोंग विद आईसीआई सजेस्टेड आंसर देंगे, अलोंग विद आईसीआई सजेस्टेड आंसर, जो आईसीआई के सजेस्टेड आंसर है वो इसके अंदर मिलेंगे आपको, तो ये पीडीएफ आपके साथ दे दी जाएगी। अगर आप ये कर लोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी आपके हर एक सब्जेक्ट से, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, एग्जाम की स्ट्रेटजी फॉर ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट्स के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम स्ट्रेटजी बताई जाएगी।
रिटन स्किल्स के अंदर आपको क्या बताया जाएगा कि कैसे आंसर को लिखना है, हाउ टू राइट द आंसर। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपको बताई जाएगी कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। एक तो होता है रिटन स्किल्स, एक होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो रिटन स्किल्स के अंदर आपको कैसे आंसर लिखना है वो बताया जाएगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है क्योंकि इंस्टीट्यूट इसके नंबर देता है, और आप आंसर कैसे प्रेजेंट करके आते हो वो तो आपको ही पता होगा, मेरे को नहीं है। लेकिन मेंटरशिप सेशन देने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आप यही चीज में आपके मार्क्स जो है 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि आप कैसे अपना 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में कवर अप करेंगे, उसका भी आपको यहाँ पे मेंटरिंग सेशन में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आईसीआई ने जो मल्टीपल टाइम्स इंस्टीट्यूट की साइट से जो अपने पास मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स में, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको इस पीडीएफ के अंदर दे दिए जाएंगे। इसके अलावा भी एडवांस अकाउंट, अगर पेपर की बात करता हूँ तो एडवांस अकाउंट पेपर में लिस्ट ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई ऑलवेज आस्क, यानी कि ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रेलेवेंट लिस्ट मिलेगी आपको जो इंस्टीट्यूट ने बार बार पूछे हैं, ऑलवेज आस्क और हमेशा पूछता है एग्जाम्स के अंदर, विद द सजेस्टेड आंसर के साथ मिलेगी इन केस ऑफ एडवांस अकाउंट पेपर। होप सो यू आर वेरी क्लियर विद दिस। अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो मैं आपको मैं नंबर शेयर करूंगा, उस पर आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनरोलमेंट प्रोसेस, अब एनरोलमेंट प्रोसेस कैसे रहने वाला है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो एनरोलमेंट प्रोसेस कैसे रहने वाला है, एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए सब्जेक्ट वाइज मेंटरशिप अगर आप लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज मेंटरशिप मतलब अगर आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर मेंटरशिप की जरूरत है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हैं। उसकी फीस रहेगी 499, 499 रुपए के अंदर आपको ईच सब्जेक्ट्स की मेंटरशिप मिल जाएगी, राइट, मतलब एक सब्जेक्ट्स की। अगर मैं ग्रुप वाइज, अगर आप ग्रुप वाइज जाते हैं यानी कि आपको टोटल ग्रुप वाइज लेना है, तो ग्रुप वाइज के अंदर आपको 1200 रुपए पड़ेगा, मतलब अगर टोटल देखें तो 1500 रुपए का आपको बैठता है, लेकिन अगर आप ग्रुप वाइज जाते हैं तो 1200 रुपए में आपको एक सब्जेक्ट मतलब पूरे ग्रुप का आपको मेंटरशिप मिल जाएगा 3 सब्जेक्ट्स का। इंडिविजुअली 500 पड़ेगा और ग्रुप वाइज 1200 पड़ेगा। एनरोलमेंट करने के लिए आप मेरे इस नंबर पे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, टेक्स्ट ऑन व्हाट्सअप 6397494860, इस नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट करेंगे। उसके साथ साथ आपको क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप नंबर पे, आप प्रोसीड कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। जैसे आप एनरोलमेंट कर लेते हैं आप मेरे को मेल आईडी मेरे को साथ शेयर करेंगे, आफ्टर एनरोलमेंट यू विल गेट मेल, आपको एक मेल आएगा फॉर अटेंड करने के लिए कि भाई आपको सेशन कल को अटेंड करना है। उसके लिए आईडी एंड पासवर्ड आपको शेयर कर दी जाएगी ऑन योर मेल 5 मिनट्स प्रायर टू द एक्चुअल स्टार्ट। सपोज करो अगर मेरा सेशन 5 बजे स्टार्ट होना है तो 4:55 पे आपको क्या कर दिया जाएगा, मेल दे दी जाएगी। होप सो यू आर वेरी क्लियर विद दिस। तो 4:55 पे आपको मेल मिल जाएगी जिससे आप अपना लॉग इन कर सकते हैं और अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा मैं आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए और बता दू चीज कि आपको जो है फर्स्ट सेशन, मेरा जो फर्स्ट सेशन है एडवांस अकाउंट का वो कल से स्टार्ट हो रहा है। एडवांस अकाउंट ग्रुप 1 फर्स्ट पेपर मेंटरिंग सेशन फर्स्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एनरोल करा रखे हैं। अगर आपको भी कराना है तो आप मेरे नंबर पे, मैंने आपको दे दिया है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ 6397494860, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करना चाहें कॉल भी कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आपका मैं रिजोल्व करूंगा। और ये कल हमारा स्टार्ट होने वाला है 28th of October 2024। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको एडवांस अकाउंट का स्ट्रेटेजी बता दूंगा, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है, डेफिनेटली आप यू विल सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर्स। और भी अगर कोई डाउट आता है तो इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। होप सो यू आर वेरी क्लियर विद दिस। चलिए विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप दिस वीडियो, और अगर कोई भी डाउट है मैं वापस से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।